अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उठाएं कॉपी पेन और लिखना शुरू करें। अरे रुको रुको, सुन तो लो पहले, लिखना क्या है। टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट्सएप की 10 ऐसी शानदार सीक्रेट सेटिंग्स एंड फीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार हैं और 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट है। और जिनको यूज करने से आपका व्हाट्सएप एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर हो सकता है। अरे अरे रुके जरा, कहाँ जा रहे हैं? मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो मस्ट करें। अब मैं आपको बताते चलूँ कि व्हाट्सएप की अहमियत क्या है और कितनी है, ये तो आप सब ही जानते हैं। आजकल का हर बच्चा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना ऐसे यूज़फुल ऐप को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करना सीखें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें। व्हाट्सएप नंबर 10 पे जो फीचर दिखाया गया है वो है पॉल, मींस दैट आप पॉल को जनरेट कर सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस आपने अपने फ्रेंड की चैट ओपन करनी है, देन आपने साइड पे अटैचमेंट का ऑप्शन होगा, देन सबसे लास्ट में आपको मिलेगा पॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ कोई भी कंडीशन जिस पे आप वोटिंग कराना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगी व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो अगर मैं इस चीज़ पे वोटिंग कराना चाहूँगी और नीचे मैं कोई भी ऑप्शन रख लूँ, 1, 2, 3 और मोर, जितने भी चाहूँ यहाँ पर ऑप्शन रख सकती हूँ मैं, और इसको फिर मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, और सिंपल है गाइस के आप एक टैप से एक वोट हासिल कर सकते हैं। सो गाइस नंबर 9 पे हमारे जिस फीचर को जगह दी गई है वो है सेंडिंग पिक्चर, और ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर हम चाहते हैं अपने फ्रेंड को पिक्चर सेंड करें और वो पिक्चर एक ही बार देख सके और वो किसी तरीके से इसको सेव भी ना कर सके, तो ये फीचर बहुत ही कमाल का रहेगा। सो गाइस अब आप सोचेंगे कि ये फीचर तो बहुत ही पुराना है, इसमें नई बात क्या है? तो गाइस इसमें नई बात ये है कि पहले जो वर्जन था उसमें हम स्क्रीनशॉट के ज़रिए पिक्चर को सेव कर सकते थे, लेकिन अब 2023 के लेटेस्ट वर्जन में ये सेटिंग नहीं है। हम इसको किसी भी तरीके से हम इसको सेव नहीं कर सकते, इवन के स्क्रीनशॉट लेकर भी नहीं। जो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस देखें, यहाँ मैंने अपने सेकेंड मोबाइल से यहाँ पिक्चर सेंड की है, बट इसकी एसएस रिकॉर्डिंग तक नहीं हो रही थी, जिसकी बिना पे मैंने अपने सेकंड मोबाइल से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये फीचर कितनी हद तक सिक्योर है और कितनी हद तक अच्छा है कि हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो गाइस नंबर 8 पे जो हमारा फीचर है वो है सेल्फ मैसेज। जी गाइस, व्हाट्सएप का ये फीचर भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, और इससे व्हाट्सएप हमारा खुद का नंबर रिकॉग्नाइज करता है और हम इससे अपने आप को खुद ही मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में सबसे टॉप पर हमारा नंबर व्हाट्सएप रिकॉग्नाइज करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अब सोचेंगे कोई पागल ही होगा जो अपने ही व्हाट्सएप से ख़ुद को मैसेज करे, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर आया है 2023 में व्हाट्सएप का, कि आप इसके ज़रिए कुछ भी सेव कर सकते हैं अपने नंबर पे। बाद लोगों को भूलने की बीमारी सी होती है जी, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, नोट पैड्स एंड सो ऑन, जो भी आप सेव करना चाहें, व्हाट्सएप आपके लिए बहुत अच्छी फीचर लेकर आया है और आप यहाँ पर कुछ भी सेव कर सकते हैं। सो गाइस नंबर 7 पे व्हाट्सएप ने जिस फीचर को जगह दी है वो है प्राइवेट मैसेज। सो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में रहकर किसी भी कॉन्टेक्ट को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। अगर आप वो बात ग्रुप में नहीं कहना चाहते तो आप उसे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। सो गाइस प्राइवेट मैसेज के लिए बहुत ही सिंपल है कि आपने जिसको भी प्राइवेट मैसेज करना है उसके मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करके रखें, देन आप 3 डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लाई प्राइवेटली, और आप इसको प्राइवेटली रिप्लाई कर सकते हैं।
सो गाइस नंबर 6 पे व्हाट्सएप ने जिस फीचर को जगह दी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मेरी अब तक की फेवरेट रही है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आपके मोबाइल में चैट ओपन हो, आप मोबाइल के सामने ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैसेजेस आते हैं तो एक अजीब सी जू 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 सी आवाज़ आती है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हैं ये आवाज़ें। तो व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि व्हाट्सएप 2023 की लेटेस्ट फीचर्स एंड सेटिंग्स में ये वाला फ़ीचर लाजमी लेकर आया है। सो गाइस सबसे पहले आप ना व्हाट्सएप ओपन करें, देन आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स ओपन करें, नाउ नीचे स्क्रॉल डाउन करें, नोटिफिकेशंस में आएंगे तो सबसे टॉप पर आपको कन्वर्सेशन टोन्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे ऑफ़ कर दें। और इसको ऑफ़ करते ही आपके जो भी मैसेजेस की आवाज़ें थी वो आपकी ऑफ़ हो जाएंगी। सो गाइस नंबर 5 पे जिस फीचर को जगह दी गई है ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और लेटेस्ट वर्जन है 2023 का, कि इसमें आप स्टेटस प्रोफाइल के ज़रिए भी देख सकते हैं। जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपको जो आपके फ्रेंड्स की प्रोफाइल वगैरह होती हैं तो साइड पे उस पर एक सर्कल सा बना दिखेगा, उस सर्कल को क्लिक करके आप अपने उस फ्रेंड की स्टेटस भी देख सकते हैं। तो आप प्रोफाइल डायरेक्ट चैट के ज़रिए भी अपने फ्रेंड का स्टेटस देख सकते हैं। सो गाइस नंबर 4 पे जो सेटिंग है वो है डिसअपीयरिंग मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड से बात करें और वो चैट ऑटोमेटिक सिर्फ आपके ही मोबाइल से नहीं बल्कि आपके फ्रेंड के मोबाइल से भी डिलीट हो जाए, वो भी तब जब आपको ट्रस्ट ना हो और आपको लगे कि आपके मैसेजेस बहुत सेंसिटिव नौयत के हैं और कल आपको ये आपके मैसेजेस आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, तो ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ कि ये सेटिंग हम कैसे ऑन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट आप अपने फ्रेंड की प्रोफाइल ओपन करें, यहाँ साइड पे आपको आई का ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, 24 आवर्स 7 डेज 90 डेज एंड ऑफ, इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो गाइस नंबर 3 पे जिस फीचर को जगह दी है वो है एक्सपोर्ट चैट। ये भी व्हाट्सएप की 2023 की बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसमें से आप अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो और आप चाहते हैं कि अगर ये मैसेज मेरे सेफ हो जाए या कल को किसी भी एविडेंस के तौर पर ये मैसेज आपके यूज़ होने हो या आपको किसी और को सेंड करने हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर आया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप इसमें कंप्लीट चैट टेक्स्ट की फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं, कंप्लीट चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो सेल्फ मैसेज के ज़रिए खुद को भी सेंड कर सकते हैं। सो गाइस बिल्कुल सिंपल है, आपने सबसे पहले चैट ओपन करनी है, देन आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करके मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इंक्लूड मीडिया और विदाउट मीडिया, आप दोनों तरीके से ही चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स लेना और फिर उन्हें सेव करना, इससे बेहतर होता है कि टेक्स्ट फॉर्म में इसको सेव कर लें हम। और ये व्हाट्सएप का 2023 का बहुत ही कमाल का फीचर आया है। सो गाइस नंबर 2 पे व्हाट्सएप ने जो न्यू फीचर अपडेट किया है वो भी बहुत ही कमाल है। इससे आप ग्रुप में ऐड होने से बच सकते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि कोई भी अननोन कोई भी कॉन्टेक्ट आपको विदाउट आपकी परमिशन के आपको ग्रुप में ऐड कर देता है और आपको बार बार लेफ्ट करना पड़ता है, तो आप अब इस सेटिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सेटिंग को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग को ओपन करें, उसके बाद आप प्राइवेसी पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं आप एवरीवन माय कॉन्टैक्ट एंड माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, आप हर तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं करे तो आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करें और यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। सो गाइस नंबर 1 पे जिस फीचर को जगह दी गई है वो वाकई बहुत ज़बरदस्त और अब तक का नंबर 1 फीचर है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हैं या किसी से चैट कर रहे हैं ऑनलाइन और थर्ड पर्सन ना देख सके कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, तो ये भी पॉसिबल है। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि
आप आखिरी बार कब ऑनलाइन हुए थे ये कोई ना देख सके, जिसे आप लास्ट सीन कहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। एंड नंबर थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी फ्रेंड का या किसी अननोन का या किसी का भी मैसेज पढ़ लिया है या वॉइस नोट सुन लिया है, बट आप चाहते हैं कि उसे ना पता चल सके कि आपने सीन कर लिया है कि नहीं, तो ये भी पॉसिबल है। सो फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन करें, देन प्राइवेसी पे क्लिक करें। सबसे टॉप पे आपको दिखेगा लास्ट सीन इन ऑनलाइन, इसे ओपन करें। देन आपको सबसे ऊपर दिखेगा हु कैन सी माई लास्ट सीन, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एवरी वन, माई कॉन्टेक्ट, मै कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट एंड नो बडी, ठीक है। और नीचे आपको दिखेगा हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, तो एवरीवन करेंगे तो सबको दिखेगा। एंड सेम एज लास्ट सीन करेंगे तो सिर्फ उन्हें दिखेगा जिसे आपने लास्ट सीन आपने सेट किया है। अगर एवरीवन पे किया होगा तो एवरीवन, माय कॉन्टेक्ट किया होगा तो माय कॉन्टेक्ट, नोबडी किया होगा तो नोबडी। देन आप बैक करें, यहाँ नीचे आपको दिखेगा रीड रिसिप्ट, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप कब और किस वक्त किसके मैसेज पढ़ रहे हैं ये लोगों को दिखा देना बंद हो जाएगा। तो मौज करें और ऐश करें। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। इससे एक मसला ये भी होगा कि आपका स्टेटस कौन कौन देख रहा है ये भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो मज़े से चैटिंग करो, दिल खोल के चैटिंग करो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इवन के आपके माँ बाप को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो या नहीं। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ठहरिए, आप लोग नहीं करते लेकिन मुझे पता है कोई करे ना करे, मैंने तो वीडियो बनानी है। सो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।